मैंने उन्हें जब भी देखा है तो हमेशा उन्हें हंसमुख देखा है, और मैंने देखा है कि बड़े नम्र स्वभाव के थे, और विशेष करके जब भी मैंने देखा है तो प्रार्थना करने के लिए एक निश्चित समय था जिसमें पूरे परिवार को लेकर के पारिवारिक प्रार्थना करते थे। मैंने उन्हें हमेशा जब भी देखा है तो ये पाया है कि बहुत पक्के विश्वास के थे। हमेशा मैंने उन्हें परमेश्वर के दास के रूप में देखा है, गवाही देने में, परमेश्वर की आराधना करने में और प्रोत्साहन देने में, और हमें विश्वास है उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और वे इस समय परमेश्वर के साथ सुरक्षित हैं, बड़े आराम से हैं, और एक दिन हमें विश्वास है कि हम ज़रूर उनसे मिलेंगे, और वे एक बहुत ही अच्छी लेगेसी छोड़ के गए हैं। जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। Joseph uncle and I had a very brief interaction during my time in Bahrain, but he always came across as a very kind and gentle soul. Whenever we met, he had a smile on his face and he gave this sense of comfort. It's sad that we will not see him again, but happy that we will meet again in glory. मैं आजाद तेरे लम्हे से हुआ हूँ।
अच्छे इंसान थे वो, हमने पहली दफ़ा उससे मिले थे, उनके अखलाक यानी बहुत अच्छा था। मैं भी आज याद कर रही थी कि बहुत अच्छे इंसान थे, खुदा उन्हें अच्छी जगह देगा। आप सब भी उसके लिए दुआ करें। खुदा उनके आगे कोई जोर नहीं है, क्योंकि जो वो करता है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उनके बहुत अच्छे इंसान थे। जब हम उन लोगों से मिले थे आप लोगों के घर में, तो मुझे याद है कि किस तरह से उनको फिक्र थी अपने गेस्ट को जो है वो मेहमान नवाजी की। सो मैं अक्सर उनको याद करता हूँ। और बहरहाल खुदा की जो मर्ज़ी है, खुदावन आपके साथ हो और खुदावन आपको तसल्ली दे। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। Praise the Lord. The Father's House EG Church Bahrain expresses our condolences to Joseph Nath family during this time of grief. May the Lord give you the peace which surpasses every understanding. In Jesus' name. Amen. I have witnessed his faith while he was here in Bahrain with Arpan and Christina. And I was motivated by his faith in the Lord Jesus Christ. And he is a child of God. He is in the safe hands of Jesus Christ. God loves you. बुजुर्ग कीमती होते हैं, पुरनियों की जगह और कोई ले नहीं सकता। जानते हैं, अगर एक बुजुर्ग को, एक माँ या बाप को अपने बच्चों की गंदगी उठानी हो, उनकी उल्टी हाथों में लेनी हो, तो वो संकोच नहीं करेंगे, वो करेंगे। लेकिन वहीं अगर बच्चों को ये करना हो तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल होगा, शायद नामुमकिन। ये कुदरती है। जब मैं जोसेफ अंकल से मिला तो एक कलाम की बात मुझे याद आई कि जब हम अपनी गलत बातों में थे, कमज़ोर थे, और जब अपनी कमज़ोरी में, अपनी गलत बातों में मर गए थे, तो खुदा बाप ने हमसे मोहब्बत रखी और हमें यीशु मसीह में जीवित किया है। अंकल के फ्यूनरल के दिन जब हम ग्रेवयार्ड में थे तो बहुत सारे लोग सुंदर सुंदर फूल लाए। वो कटे हुए फूलों को बांध कर, अलग अलग रंगों को बांध कर बहुत सुंदर गुलदस्ते बनाए गए, जो देखने में बहुत खूबसूरत थे। और मैं सोच रहा था कि वहीं पे आसपास कुछ पौधे थे जो
अपने आप में खूबसूरत थे, उनकी खूबसूरती अलग थी और जो फूल थे उनकी खूबसूरती अलग थी, हम उनको माप नहीं सकते। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि अगर मैं उन कटे हुए फूलों के गुलदस्ते को, उन कटे हुए फूलों को जो मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं, अपने साथ ले जाऊं, उन्हें एक फ्लावर वास में रखूं, संभालूं, पानी दूं, धूप दूं, तो कुछ दिनों के बाद वो तब भी मर जाएंगे मेरी मेहनत करने के बावजूद। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा पौधा ले जाऊं, उसको समय दूं, उसको धूप दूं, उसे ध्यान रखूं, पानी डालूं, तो वो जिएगा, वो मरेगा नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पौधों की जड़ें होती हैं और फूलों की जड़ें नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही हमारी जड़ यीशु मसीह है, और अगर हमारी जड़ यीशु मसीह में है तो हम मरेंगे नहीं। ये हमारे फल नहीं है, हमारे फूल नहीं है जो हमें खुदा के पास लेके आते हैं, ये हमारी जड़ें हैं। और हम जानते हैं कि इस परिवार की जड़ें, जोसेफ अंकल की जड़ें हमेशा खुदावन यीशु मसीह में थी। जोसेफ नाथ की डेथ का सुनकर मन शोकित हुआ। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए कि अपने मरहूम भाई जोसेफ नाथ को अपनी दिली श्रद्धांजलि दे सके। मैं जोसेफ नाथ को 1983 से जानता हूँ, जब मैं क्राइस्ट चर्च सब्जी मंडी में पास्टर होकर के आया। जोसेफ और उसकी पत्नी रेनू दोनों ही चर्च में रेगुलर आया करते थे। गर्मी, बरसात, सर्दी, मौसम का मिजाज चाहे कैसा भी हो, वो अपनी माँ सोसरनाथ को लेकर चर्च रेगुलर आते थे। मैंने पाया ये परिवार परमेश्वर की संगति में पाया जाता है। जब मुझे पता चला कि मैं मंगोलपुरी से यहाँ आते हैं, तो मैंने जोसेफ को सलाह दी कि वो मंगोलपुरी में ही मैथोडिस्ट चर्च को ज्वाइन कर ले। इत्तेफाकन मेरा ट्रांसफ़र 1987 में मंगोलपुरी में हो गया। मंगोलपुरी चर्च के लिए बिल्डिंग नहीं थी, हम पार्क में वर्शिप करते थे और वर्शिप सर्विस का पार्क में ही संचालन होता था। हालात ठीक हुए तो हमने किराए पर मकान लेकर वर्शिप सर्विस करना शुरू किया। किराए के मकानों में चर्च वर्शिप करना मुश्किल हो गया। उस वक्त जोसेफ नाथ ने अपने मकान के ग्राउंड फ्लोर को चर्च के लिए हमें दिया। उस ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ परमेश्वर की आराधना ही हुआ करती थी। जोसेफ ने उस कमरे को आराधना के सिवा किसी और काम के लिए कभी उसे उपयोग में ना लाया। मुझे यहाँ ये बताने में कोई झिझक नहीं कि जब तक चर्च लैंड ना मिली और लैंड पर बिल्डिंग नहीं बनी, जोसेफ नाथ ने चर्च से एक पैसा नहीं लिया। यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी भी चर्च को फ्री दी। आज जोसेफ नाथ तो नहीं है, लेकिन ये तमाम बातें मैं याद करता हूँ जो शायद मेरे सिवा किसी और को पता भी ना होगी। जोसेफ एक सच्चा मसीह था। उसने परमेश्वर के वचन को ना केवल पढ़ा बल्कि उसे अपने और अपने परिवार के जीवन में अमल में लाया। उसकी माँ बुजुर्ग मिसेस सोसरनाथ, उसकी प्यारी पत्नी रेनू, तीनों बच्चे निक्सन, रच्चू और नीलू के जीवन में भी प्रभु का बहुतायत के साथ उसकी सामर्थ उनके घर में बनी रही। और यही वजह थी कि जोसेफ नाथ अपनी माता, अपनी पत्नी और तीनों बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशनुमा तरीके से व्यतीत करता रहा। जोसेफ नाथ चमड़े का बिजनेस करता था, बड़ी बड़ी कंपनियों को माल सप्लाई करता था, जिसमें
वुडलैंड भी एक कंपनी है। जोसेफ को हमने सलाह दी कि आप जो बिजनेस करते हो और बड़ी कंपनियों को देते हो उससे आपको क्या फ़ायदा होता है, क्यों नहीं आप अपना ही छोटा मोटा बिजनेस करो। और जोसेफ ने हमारी बात को माना और अपना बिजनेस भी उसने मंगोलपुरी में ही रह करके किया। जोसेफ को एक बात जो पासबान रहते हुए मैंने सिखाई वो भजन संहिता 34 का 10वां पद था कि शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं लेकिन खुदा के तालिब किसी नियमत के मोहताज नहीं होते। जोसेफ ने इस आयत को अपनी जिंदगी में उतार लिया और उसने उसका तजुर्बा किया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जोसेफ जब तक जिंदों की जमीन पर जिंदा रहा ना तो उससे ना उसके बच्चों को ना परिवार को किसी चीज की घटी और कमी कमजोर महसूस हुई। अब वो परमेश्वर की सामर्थ को पाकर के उसकी मोहब्बत में पहचान में नजदीकी में बना रह कर के आगे आगे बढ़ता चला गया। जोसेफ अपने परिवार के लिए एक आदर्श पुरुष था, ना केवल अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ और अपनी पत्नी के लिए, बल्कि अपने दोनों भाई भावच और उनके बच्चों के लिए भी, और उसके छोटे भाई और उसकी उनकी पत्नियां और उनके बच्चे भी उसको बहुत इज्जत मान सम्मान देते थे। यही नहीं, मंगोलपुरी चर्च में भी उसका एक अपना रुतबा था। 1997 में जब मेरा ट्रांसफ़र मंगोलपुरी से मैथोडिस्ट चर्च किंग्सवे कैंप में हुआ तो मैंने जोसेफ से कहा कि आप बच्चे बढ़ रहे हैं और इस एरिया को छोड़ कर के आप किसी पॉश इलाके में चले जाओ। जोसेफ ने रोहिणी सेक्टर 3 के अंदर मकान खरीदा, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर उसने जोर दिया और मिलेनियम मैथोडिस्ट चर्च जो कि पहले सेक्टर 8 में हुआ करता था उसके बाद 11 सेक्टर में चर्च बिल्डिंग बन गई। वो वहाँ पर अपने बच्चे के साथ उसने मेंबरशिप को ट्रांसफ़र करवाया। जोसेफ एक सच्चा मसीही था, उसमें नम्रता, दीनता और मसीह का प्रेम पाया जाता था। उसने चर्चिस के अंदर विभिन्न पदों पर रह कर के अपनी सेवकाई को कलीसियाओं के लिए दिया। कलीसियाएं मंगोलपुरी की हो, क्राइस्ट चर्च की हो या मिलेनियम मैथोडिस्ट चर्च की हो, सारी कलीसियाओं ने जोसेफ को बहुत मान सम्मान और प्यार दिया। लोग उससे प्यार करते थे क्योंकि उसका स्वभाव मसीह यीशु की दीनता और नम्रता को लिए हुए था। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जब वो बीमार पड़ा, जिस्मानी कमजोरी में गिरफ्तार हुआ, उसने हिम्मत नहीं हारी, वो मसीह यीशु पर अपने ईमान को और ज़्यादा बढ़ाता चला गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसकी पत्नी और तीनों बच्चों के लिए। उन तीनों बच्चों ने, उसकी माँ ने भी अपने ईमान में कमी नहीं आने दी। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और जोसेफ अपने पैरों पर चलने भी लगा, अपने हाथ पैर हिलाने भी लगा और अपनी बात दूसरों लोगों तक पहुँचाने भी लगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये बात सच है कि जो औरत से जन्मा है उसको इस दुनिया फानी से कूच करना है। परमेश्वर ने जो ज़िंदगी उसको इनायत की थी उसने बाखूबी एक सच्चे मसीह की तरह अपने जीवन का निर्वाह किया, कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए एक आदर्श पुरुष बनकर के रहा। जब हमें पता लगा कि 6 जनवरी को जोसेफ इस दुनिया फानी से कूच कर गया तो हमारा हृदय उसके दुख में शोक से भर गया। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद क्या चाहते हैं कि परमेश्वर ने जोसेफ को जो जिंदगी बख्शी उसने एक सच्चे मसीही योद्धा की तरह अपनी कुश्ती को लड़ा और अपनी कुश्ती को लड़ता हुआ उसने मसीह को कभी ना त्यागा। वो मसीह के प्रेम में, उसकी नज़दीकी में, उसकी पहचान में बना रहा और उसकी सिताइश, उसकी हम और उसकी शुक्रगुजारी अपने जीवन से, अपने परिवार के जीवन से वो करता चला गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जोसेफ
और उसकी पत्नी रेणु ने मिलकर के जो संस्कार अपने बच्चों को दिए, जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अपने बच्चों को उस मार्ग की तालीम दे कि वो बुढ़ापे तक उसमें कायम और मजबूत बने रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज जोसेफ तो नहीं है, लेकिन उसके तीनों बच्चे निक्सन, रच्चू और निक्सन और नीलू, जिन तीनों की शादी हो चुकी है, अब वो अपने अपने परिवारों में परमेश्वर के प्रेम और नजदीकी और उसकी मोहब्बत में बने रह कर के उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं। और मेरा ये विश्वास है कि जोसेफ की रूह को खुदावन खुदा ने कबूल किया और जोसेफ ने अपने जीते जी अपने परिवार की खुशहाली, उसकी सलामती को खुदा यीशु मसीह में नेक पाया और उनको बढ़ता हुआ देखा। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो पूरे सब्र के साथ इस दुनिया फान से उसने कूच किया, क्योंकि उसके मन के अंदर कोई फिक्र नहीं था। हाँ, ये बात सच है कि जोसेफ तो हमारे पास वापस लौट करके नहीं आएगा, लेकिन हम ही वहाँ जाकर के जोसेफ के साथ मुलाकात करेंगे। और जो कमी रह गई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बच्चे, उसकी पत्नी मिलकर के खुदावंद की इस दौड़ के अंदर बढ़ते चले जाएंगे और खुदावंद का इत्मीनान, जो कि सारी समझ से बाहर है, वो उसके गमजदा परिवार को मिलेगा। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद खुदा बुजुर्ग मिसेस सोसननाथ को, उसकी प्यारी पत्नी रेणु को, निक्सन, रच्चू और नीलू को अपना सब्र जमील इनायत करें कि वो उससे तसल्ली और इत्मीनान को पाकर के अपनी खिदमत को और अपनी ज़िंदगी को खुदावन की हुजूरी के अंदर उसके साथ निर्वाह कर सकें। खुदावन हम सबको अपने जीवन में जीने की राह पर चलाए, हमें हमारी समझ को खोले और कर्दनाई दे कि हम उसकी मोहब्बत में बने रह कर के उसकी खिदमत के अंदर आगे आगे बढ़ते चले जाए। प्रभु हम तमाम को अपनी तसल्ली और ज्ञान बख्शे, खास तौर से इस गमजदा खानदान को। आमीन।